नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। दोस्तों अभी तक राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। जी हां दोस्तों, मदरसा पैरा टीचर्स के लिए नियमितीकरण का मामला समिति के पास है लंबित। तो आइए दोस्तों, पूरी खबर क्या है इस ब्रेकिंग न्यूज़ को सबसे पहले जानते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पर। जी हां दोस्तों, मदरसा पैरा टीचर्स को नियमितीकरण का मामला मंत्री समिति के पास लंबित। प्रदेश के 3226 मदरसों में 5726 पैरा टीचर्स कार्यरत। जी हां दोस्तों, जयपुर से न्यूज़ है, 3226 मदरसों में 5726 पैरा टीचर्स का नियमितीकरण का मामला राज्य सरकार ने मंत्री समिति के पास भेजा है। यह जानकारी भाजपा विधायक चंद्रकांता मेघवाल के मदरसा पैरा टीचर्स को नियमित करने पर पूछे गए सवाल के जवाब में दी गई है। अल्पसंख्यक मामलात विभाग के अनुसार 1 जनवरी 2019 को राज्य की विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों की समस्याओं के निवारण के लिए कैबिनेट मंत्री बीडी कला की अध्यक्षता में एक मंत्री स्तरीय समिति का गठन किया गया है। शिक्षा सहयोगियों के नियमितीकरण पर विचार करने के लिए प्रकरण 14 मार्च को मंत्री स्तरीय समिति को भेजा जा चुका है। गौरतलब है कि राज्य के 5726 पैरा टीचर्स को 7200 रुपये प्रतिमा मानदेय दिया जा रहा है और बीते 2 साल से मानदेय में 10% का इजाफा किया है। मदरसा पैरा टीचर्स नियमित करने की मांग को लंबे समय से कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ी अपडेट, मदरसा पैरा टीचर्स को नियमितीकरण करने का मामला मंत्री स्तरीय समिति के पास है। जल्द ही इनको नियमितीकरण का तोहफा मिल सकता है। विधानसभा में पूछे गए चंद्रकांता मेघवाल के सवाल पर सरकार ने जवाब दिया है कि 14 मार्च को जो मदरसा पैरा टीचर्स का मामला है वो मंत्री स्तरीय समिति को भेज दिया जा चुका है। अब मंत्री स्तरीय समिति निर्णय करेगी कि मदरसा पैरा टीचर्स का नियमितीकरण कैसे किया जाना है, कब किया जाना है, किस वेतनमान पर किया जाना है। जी हाँ दोस्तों, 5726 मदरसा पैरा टीचर्स कार्यरत है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को अभी तक सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।